गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल है नाने, आपके उठ गए हो आप? हाँ जी। आपकी क्लासेस कितनी देर में शुरू है? अब मैंने अपना पेपर कर लिया और मेरी क्लासेस खत्म है। खत्म? वाह जी, हमारे बॉस तैयार हो रहे हैं। सर जी, सर जी, ई करो इंडिया गेट, ई। तो इनकी क्लास कितनी देर में है अभी? 5 मिनट्स में। शनाया के पास चलते हैं गाइज, लेट्स सी शनाया क्या कर रही है आज। गाइस, शनाया थोड़ी सी ढीली है, बट क्या करें, आज उसकी क्लास ज़रूरी है। पहले मना कर रही थी मुझे क्लास नहीं करनी, बट अब देखो ये लेट की क्लास हो रही है बिकॉज शी इज़ थोड़ी सी ढीली टुडे। ढीली शनाया, हाउ आर यू? शनाया अभी कैसा लग रहा है, कुछ बेटर है? थोड़ा बेटर है? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा बेटर है गाइस, बट लेकिन क्लासेस ज़रूरी हैं तो क्लास चल रही है मैडम की। ये देख लो, स्कूल मिस नहीं करना। सही पकड़े हैं। तो अभी जल्दी से क्लास खत्म कर लो, फिर रिलैक्स करते हैं, ओके? जब तक बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं मैं वो देखता हूँ। तुम क्यों वहीं यहाँ पे बैठ गए हो आके? बाय। क्यों सज गए हो? ये भागे तो, ये भी भाग गया। सियान की भी क्लास शुरू हो गई है। गाइस देखो कितना शरीफ आदमी लग रहा है अभी इस टाइम ये। कितना शरीफ आदमी, एकदम बिल्कुल किसी को कुछ नहीं कहता ये। रुको जरा, सबर करो। टीचर के सामने धुएं निकल जाते हैं इनके। ये सर झूठ है, ये बिल्कुल इतने शरीफ आदमी नहीं है। हाँ, इसकी बोली सूर्य तो बच जाना। गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम सुबह सुबह सारे क्या पीते हैं। गाइस ये देखो, ये है हल्दी वाटर। गाइस पानी के अंदर हल्दी उबाल के सुबह सुबह पीना चाहिए, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। और यहाँ हमारे लंच की तैयारी चल रही है। ये पनीर है, ये है मुझे लग रहा है ये कढ़ाई पनीर बन रहा है। ये पनीर की वो है, क्या बना रहे हो विनीता? पूछना तो मुझे ही पड़ेगा। है? It's her choice. नहीं बता रही भाई वो। पता नहीं क्या बना रही है, बट पनीर ही लग रहा है मुझे तो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शनाया रिलैक्सिंग, क्लास खत्म। गाइस शनाया के मेरे पास लेट गई है, कैसे रही आपकी क्लास? नाइस। चलो मजे करो, एंजॉय करो, ठीक है? रिलैक्स, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। लो जी क्लासें खत्म। और कौन सी क्लास बची है? और ये मैडम भी आ गई हैं। फिर भी इसने हिम्मत करके ये क्या बनाया शनाया? गाइस मैंने टूथपिक से शेप्स बनाई है। टूथपिक से शेप्स? कौन सी शेप्स है बताओ? ये है ट्रायंगल, ये है स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल, ये है, ये कौन सी थी, हेक्सागन, ये पेंटागन। ओके नाइस। पेंटागन का नाम समझ नहीं आता, पेंट से नाम बनाया है पेंटागन। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ये भी ठीक है, बताओ भी पेंटागन का नाम कैसे बनाया है? सोचो। तू भी कुछ पढ़ ले है, बस घूमते रहना है। और इधर चल रहा है नाश्ता, एवरग्रीन 24 आवर्स नाश्ता, पूरी छोले एंड चाय। तो गाइस यहाँ अब सियान अपना होमवर्क करना शुरू हो गया है। सियान जल्दी से, कितनी देर रहेगी आपका शूट शुरू करना है हमें? एक घंटा क्योंकि अभी मेरे एक होमवर्क 1 घंटा का बच्चा। और शनाया वैसी ढीली पड़ी है, और अनान्या क्या कर रही है? मजाक कर रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? अनान्या क्या कर रही है? गाइस अनान्या की भी क्लास चल रही है। सियान जल्दी से चेंज कर लो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी ओके पापा, जल्दी ओके, कपड़े पड़े हैं, जल्दी 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 ओके। लेटर। अरे रमनीक, आप कहाँ जा रहे हो? अरे यार तेरे को पता है ना शनाया की तबीयत ठीक नहीं है, मैं जरा केमिस्ट तक जा रहा हूँ दवाई लेने। अच्छा बैठो बैठो तो सही ना, एक मिनट।
हाँ बोलो। अरे पुनी जल्दी बोलो ना, फार्मेसी बंद ना हो जाए। रमनीक अब मेडिसिन लेने बाहर क्यों जा रहे हो, फार्म इजी से ऑर्डर करो ना। ये देखो मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत ही सिंपल है। आपको जो भी मेडिसिन चाहिए उसको सर्च करो, उसकी क्वांटिटी ऐड करो एंड ऐड टू कार्ट करो। लास्ट में कार्ट में जाओ, कूपन अप्लाई करो फॉर द क्रेजी डिस्काउंट, अपना एड्रेस दो, ऑर्डर प्लेस हो गया आपका। आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ एंड 20% कैशबैक ऑन योर मेडिसिन ऑर्डर। आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा 4 घंटे के अंदर और आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं RS40 टू गेट दिस ऑफर। और इसके साथ साथ आपको मिल सकता है 80% ऑफ ऑन द फिटनेस सप्लीमेंट्स एंड 70% ऑफ ऑन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। और हमारा कोड यूज करना ना भूलें RS40। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट। रमनीक अब आप ऑर्डर प्लेस करो, मैं शनाया को देखती हूँ। तो गाइज मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, दवाइयां आती ही होंगी, तो अब मैं देखता हूँ बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं और शनाया का हालचाल क्या है। आओ चलो देखते हैं। ये यहाँ बिजी है और ये यहाँ बिजी है भाई साहब, अलग अलग बिजी हैं, देख सेम रहे हैं। लेकिन गाइस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम की बात है वो शनाया के साथ प्रॉब्लम हो गई है और शनाया बेचारी उठ नहीं पा रही है। शनाया अपने बेड पे ही फंसी हुई है और शनाया के साथ पुनीत भी उसी के साथ फंसी हुई है और इसको गाइस पट्टियाँ करनी पड़ रही हैं। तो गाइस अभी कोशिश तो यही कर रहे हैं कि ये इसकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो। तो ये हंसते खेलते ही अच्छी लगती है, ऐसे लेटी हुई बहुत परेशान लग रही है। शनाया डोंट वरी बेटा, एवरीथिंग विल बी ऑल फाइन। एक बार पुनीत थर्मामीटर चेक करो यार, कितना बुखार है। मैंने अभी लगाया था। कितना आ रहा है? अरे एक बार दोबारा ट्राई करना, दोबारा ट्राई कर, क्या पता उतर गया हो। हाँ जी। लगाओ लगाओ। टच हो रहा अंदर? देखो देखो बुनी। ओह माय गॉड। तेरी। ये अभी 103.7 पे था, मैंने पट्टियाँ करनी शुरू करी है, ये पड़ी ट्रे, मैंने इसको अभी मेडिसिन दी है। बट अभी भी 103.2 है गाइस। गाइस यार आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपकी प्रेयर्स चाहिए ताकि शनाया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और फिर से हम लोग हंसते खेलते अपने वीडियोस बनाते रहें। तो अभी दोपहर तक ये बिल्कुल सही थी गाइस, इसने लंच किया है, फर्स्ट क्लास हम लोग खेल रहे थे। बट पता नहीं दोपहर को जैसे ही ऊपर आई है ये और इसको पूरा एकदम तपती हुई, पता नहीं क्या हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा। तो चलो कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा शनाया, इट्स ओके, सब ठीक हो। तो गाइस फाइनली अब शनाया उठ के बैठ गई है, अब इसकी तबीयत पहले से बेटर है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब आपका बुखार उतर गया शनाया? यस उतर गया। तभी ये इनका देखो यहाँ पर चल गया, शुरू हो गया दोबारा से देखना दुखाना, अब इसमें हिम्मत आ गई है गाइस। और ये मैडम तो सेट ही है, और ये भाई साहब क्या है। हाँ भाई कैसा चल रहा है, ठीक है कुछ? शनाया ठीक है, बुखार उतर गया है मगर उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, चिप्स खिलाए हैं 2-3, एक छोटा सा आधा बिस्किट। कल एग्जाम है हमारा मगर हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन करी हुई थी तो हमने क्विक रिवीजन कर ली है एंड वी आर ऑल सेट फॉर टुमारो। कोई टेंशन मत लो, अभी शनाया के बुखार उतर गया है तो जैसे बुखार उतरेगा तो भूख भी लगेगी और वो खाना भी खा लेगी। तो गाइस शनाया इज सच अ स्ट्रांग गर्ल, आज का एग्जाम भी उसने, मतलब सुबह इसको इतना तेज बुखार था, मेडिसिन खाकर बुखार उतरा और उसने अपना एग्जाम खुद अपने आप अच्छे से अटेम्प्ट किया। मतलब सुबह एग्जैक्टली सुबह जब उठी थी तब तो ठीक थी, बाद में इसको बुखार चढ़ गया था, बट लेकिन स्टिल शी इज वेरी ब्रेव गर्ल। लेटर दैट सेम इवनिंग। तो गाइस फिर से बुखार चढ़ रहा है, अब चेक कर रहे हैं कि इसका अभी तक उतरा नहीं है तो कितना आता है। इतनी मुश्किल से यार बुखार उतरता है ना, मुझे चढ़ रहा है, फिर से चढ़ रहा है। शनाया लग रहा है आपको? इतना नहीं लग रहा है, वैसे ही चेक कर रहे हैं। है? है? 100 हो गया। क्या है यार, ओ भाई 150 तो हो ही है। तो गाइस अब शनाया लेट गई है, इसकी तबीयत फिर से बुखार चढ़ रहा है। शनाया आप आइज बंद कर लो, सो जाओ आप थोड़ी देर, रिलैक्स, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा।
3 hours later. तो गाइज अब शनाया का हालचाल देख लेते हैं. शनाया कुछ बेटर लग रही है. हाँ जी कुछ बेटर लग रहा है. Yes. बुखार उतर गया. थोड़ा सा है. गाइज शनाया नीड योर गुड विशेस. जल्दी ठीक हो जा बेटी. A few moments later. तो फ्रेंड्स शनाया को फिर से बुखार चढ़ रहा है. अब हम वीडियो क्लोज कर रहे हैं. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. और आपको हमें पता है आप लोग बहुत सारी प्रेयर्स करने वाले हो. तो थैंक यू सो मच. वी लव यू ऑल. थैंक यू फॉर ऑल योर प्रेयर्स. शनाया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी. और आप लोग अपने माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना और हमारे वीडियोस देखते रहना. बाय. थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए. हमने बनाया स्पेशल खाना एक स्पेशल पर्सन के लिए. वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 फूडी पर. अब वो हमारे घर पे फर्स्ट टाइम आए थे. खाने में तो बहुत ही मजा आया. वीडियो देखने के लिए क्लिक यहाँ. क्लिक 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 क्लिक. बहुत टेस्टी.